2 log 2y
तीसरा पार्ट इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है
जाने के लिए हमने बताया सुनील कमिश्नर ने एक्शन में क्या है लॉग 7 और लॉग 17 लॉग 7 और लॉग 17 इज इक्वल टू लॉग ए बार जी बिना तो के मतलब बताया था फार्मूला मैंने ये बताया था लॉग ए एम log m n is equal to log base इसकी वैल्यू इसका अब इससे कैसे रिलेट करना है आप देखिए यहां पर बेसेस हैं मैंने यहां पर इसको डिवाइड करना है किसकी किसकी बेस है इसको डिवाइड करना है log a n log a n सुनो क्या log m n log a n log a अब सुनने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं a और n एक जगह पर क्या है 7 n की जगह पर क्या है r m की जगह पर क्या है t ये आप लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे यहाँ पर ये वन वैल्यू देखने log m n log m n m बेस में क्या आ रहा है मेरे पास t और n क्या आ रहा है r is equal to dm dm log a r सही है क्या किया मैंने ये जो फार्मूला लगाया था इसमें इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि बेस यहां भी है तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं इसको अब ये चीज हमारे पास आ गई अब इस फार्मूला में इसके साथ कंपेयर a के ऊपर देखा जाए तो a ये है ये ऊपर हमारे पास 7 यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो है r यहां पर जो वैल्यू आ रही है मैंने ये जो हमारे पास आ गया है इसको इसमें लिख दें log m n m की वैल्यू क्या है t n की वैल्यू क्या है r ये बराबर बेसिकली ये का ठीक है मैंने इस साइड पर log का फार्मूला लगा दिया जैसे लगाते हैं अब log r से कैंसिल हो रहा है r r से कैंसिल हो रहा है n की वैल्यू बस क्या है t r ठीक हो गया समझ गए बात तो ये हमारे पास एक फार्मूला था जो हम लोगों ने सेल में भी यही लगेगा लेकिन डिवाइड नहीं लगेगा वैसे लगेगा और इस पार्ट नंबर ये थी ठीक हो गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेट नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है जी लॉग 3 लॉग 3 4 लॉग 4 pi log 5 6 log 6 7 log 7 8 बस देखो ये हमारे पास log है अब ये सारे प्रोडक्ट log अब मैंने किस बेस पे लिखा मैंने इस बेस पे लिखा log a n n मतलब अभी जो वैल्यू होगी वो बेस पे log 2 3 log 3 4 log 4 5 पिछले बेस पे log 5 से log 6 7 log 7 है ठीक हो गया और मूल्य कौन से यूज करोगे log a m m n log a अब यहां पे सारे गए ना log इन दोनों log a a के n के अब इन दोनों log a m m n log a n in those log a m m n log a n 6 over 3 again in दो बार अब फिर क्या है again using log a n log m n log a ठीक हो गया अब log a m m n log a n इसको वैसे छोड़ दो अब मैंने इसको इसको वैसे अब फिर लगेगा again using log a n log m n log ए ठीक हो गया
अब चेन लगेगा तो कैसे लगेगा, लॉग ए एम एम एन, तुम्हारे पास क्या जाएगा इसकी बेस और इसकी वैल्यू। अब तो सिंपली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसकी, सॉल्व ऐसे कर दे आप लोग, लॉग टू और टू का टू, टू का टू पे टू पीछे दे दें, लॉग टू टू थ्री कैंसिल हो गया, थ्री इंटू वन टू आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास था इसी रूप के तहत, आप लोगों ने क्या करना था, फाइंड करना था, सिंपलीफाई करना था, और आप लोगों के पास आंसर थ्री आ गया। मैंने एट टू का क्यूब बनाया और इसकी बजाय की बेस टू थी, क्यूब की चले गए, और लॉग टू जो बेस है वही वैल्यू है, यानी यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को ज़हन में रहे जो बेस हो वही वैल्यू को मान लीजिए जी। तो ये आप लोगों के पास थी साइज 3.5, जिसके आप लोगों ने जो बच्चे स्किप किए थे वो आप लोग मुझे हर एक दिन लेक्चर दूसरे दिन जो फ्री है उस दिन आप लोग मुझे वो जो मिसिंग क्वेश्चन है वो चेक करवाएंगे, और मैं फिर टेस्ट के साथ साथ दूंगा। ये नहीं है कि मैं छोड़ दे रहा, आप लोग भी ना करें, आप लोग ये भी लिखेंगे और मिसिंग है पहले वो लिखेंगे, इनको लिख के फिर वो लिखेंगे, लिख के फिर दूसरे दिन मुझे चेक करवाएंगे कि हाँ जी हम लोगों ने एक्सरसाइज कम्प्लीट कर दी, तब हम लोग आगे ठीक हो गया। इसके बाद अब आप लोग आ रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट टॉपिक पे एप्लीकेशन आप कर रहे थे, इसमें मैं आज आप लोगों को एक प्रश्न करवा देता हूँ 3.6 का पहला पार्ट, और बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी लेंथी है और आप लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्लास में ये इंशाल्लाह लेक्चर खत्म करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे फोर्थ चैप्टर पर जाएंगे, इसको आप लोगों को जाएंगे, अगेन बता रहा हूँ यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है जी 38।
वन में देख देंगे जीरो है ये वन, 5809 आगे के नंबर नहीं है तो हमने वाले में इधर देखता 38 के सामने 7 होता तो 7 में जो नंबर आ रहा था उसमें 10 कर देते लेकिन आगे नहीं है ठीक प्लस 43.4 अब आप अपन क्या करते हैं इसको प्रेडिसेस क्या है 2 माइनस 1 1.27 43 को 4 में देखना है यहां से नीचे है तो ये अपने पास 43 है 0 1 2 3 4 तो ये 43 को 4 में देखा तो 63.75 ठीक हो गया अब इस दोनों का आप लोगों ने ऐड कर देना है ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग जीरो पॉइंट 5809 प्लस 0.21 इसके बाद आगे 4 में देख रहे हैं तो मैंने कहा था कि इसके सामने यू डिफरेंस डालना है यू पर 4 है ये नीचे आ रहा है तो इसके सामने नीचे आएगा 2 क्या जाएगा 2 आएगा तो आपने 2 को इसमें ऐड करना है तो क्या बन जाएगा 1654 रेडिस्टेंस क्या है 2 है तो मैंने कहा था उसको आप बोलो 2 तो 3 के बाद पॉइंट लगा देना है कि आपके पास एक्स ठीक हो गया ये जो प्रोडक्ट था उसके जो वैल्यू लाख के अंदर ये बन ठीक हो गया तो इस तरह से आपने हमने भी रूल लगाने पहला स्टेप होता है डेट करने एक्स के दूसरा स्टेप आप लोगों ने करने टेकिंग लॉग लॉग के बाद आपने रूल लगाना देखते हैं कैसे जैसे मैं दूसरा पार्ट दे दूँ 273.42 मल्टीप्लाई बाय 0.0462 मल्टीप्लाई बाय 0.5143 आप यहाँ पर अगर टेकिंग लॉग करेंगे तो ये 3 है तो 3 के लिए भी कोई रूल है जो 2 के लिए प्रॉब्लम है log a b log a plus log b होते हैं ठीक हो गया log अब तीन हो log a b c और log a plus log b plus log c होते हैं ठीक है मतलब log से increment 42 plus log 0.0046 plus log 0.5143 अब तीनों पर आप लोगों ने पहले पर वही प्रेडिक्शन में भी सर दूसरे पर लेकिन इसमें थोड़ा सा एक आप लोगों के पास मसला आता है कि जब प्रेडिक्शन नेगेटिव आ जाते हैं उसमें जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक में आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग उसको किस तरह से साथ करें सिर्फ वो एक पॉइंट आप लोग समझ लें बाकी उसके बाद वही ऐड कर सकते हैं और देन इसके बाद एक और चीज़ हम ध्यान दें अगर यहाँ पर ये नंबर नेगेटिव आ जाते हैं फिर इस नेगेटिव नंबर को अपने पॉजिटिव बनाना होता है साथ तौर पर यहाँ -2.24 आ जाता है अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने पूरा नंबर ऐड करना आप 2 ऐड करते हैं तो नहीं बनेगा क्योंकि ये 2.22 से थोड़ा सा ज़्यादा तो हमने 3 करना था 10 ट्रीट करना था और -3 करना जब 10 ट्रीट करते ये वाला नंबर हो जाता है पॉजिटिव ये वाला नंबर हो जाता है पॉजिटिव इसका हमने एंटी डाल मतलब जो माइनस 10 ट्रीट माइनस सी के माइनस ट्रीट जो होता है उसका क्रेडिट सिक्स बन जाता है एंटी डाल के अंदर उसको हम लोगों ने छोड़ देना था और बाकी इसको सॉल्व कर देना समझ गए बात इस तरह से आप लोगों ने अंडर क्वेश्चन भी
जी तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों ने ये टू दिला दे लॉग ए बी डिवाइड बाय आप लोगों ने क्या करना है लॉग ए बाय बी ए बी था ए प्लस बी हो जाए तो डिवाइड बाय बी जो था उसको सी में दे देते हैं ठीक हो गया। ये जो चीज़ें थी आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा यहाँ तक आप लोगों ने इसको थोड़ा सा समझ लें और पिछली एक्सरसाइज को पूरा कम्प्लीट कर दूँ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर दूँ ठीक हो गया। सलाम अलैकुम।